यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से एयर प्रेशर डेवलप होने की वजह से मॉनसून विंड्स और मॉनसून यहाँ पर डेवलप होता है। तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया से पास हो रहा है। यहाँ पर लो प्रेशर जोन बना हुआ है करीबन यहाँ पे हिमालयस के नीचे, ये जून का महीना है जब सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, इसकी वजह से लो प्रेशर जोन डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर उल्टी जगह, यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो गया, और जैसे ही विंड्स जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और कोरोलिस फोर्स के थ्रू यहाँ से टर्न लेंगी, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। इक्वेटर क्रॉस करते ही यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 विंड्स जो हैं स्ट्रीम्स जो हैं वो एंटर करेंगी इंडिया में। एक स्ट्रीम जो है वो म्यांमार की तरफ जाएगी जो कि टर्न होके बे ऑफ बंगाल का पानी लेके मॉइस्चर लेके नॉर्थ इंडिया में बारिश कराएगी। सो द मॉनसून एंड द रेनफॉल, मॉनसून अप्रोचेस द लैंडमास इन 2 ब्रांचेस, अरेबियन सी की ब्रांच आती है और एक बे ऑफ बंगाल से ब्रांच आती है। तो एमपी में अरेबियन सी से कम बारिश होती है लेस, और बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा बारिश होती है। तो कारण ये है कि जब अरेबियन सी ब्रांच आती है तो उसको वेस्टर्न घाट्स ट्रेवल करने पड़ते हैं, और जैसे ही वो हाई टेड हो जाती है तो वो सैचुरेशन हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, और वो बारिश अपना सारा पानी जो है मॉइस्चर छोड़ देती है, और फिर जब पहाड़ के इस तरफ आती है मालवा रीजन में एंटर करती है तब वो वार्म हो जाती है और उसमें मॉइस्चर भी कम होता है, तो यहाँ पर लेस रेनफॉल होती है। तो वेस्टर्न घाट्स के वजह से, वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ होने से, लीवर्ड साइड होने से हमें लेस रेनफॉल अरेबियन सीज से की ब्रांच से मिलती है। इसलिए मालवा रीजन एक ड्राई रीजन और मोस्टली एमपी एक ड्राई रीजन में ही आता है। इंडिया के मैप में देखें तो अबव 400 तो यहाँ पर है, देखेंगे आप ये मेघालय का है चेरापुंजी, और 200 टू 400 सेंटीमीटर रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश सिक्किम इधर की तरफ है, और अगर आप 100 to 200 देखें तो इस जोन में एमपी आ रहा है 150 करीबन, एंड 60 to 100 में ये जोन आ रहा है, आप देखेंगे चंबल मालवा में 60 to 100। तो ड्राई रीजन जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनती है, तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और सतपुड़ा रीजन में 125 सतपुड़ा में, तो 125 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होती है। तो वे ऑफ बंगाल से हमें ज़्यादा पानी मिलता है, और चंबल मालवा बघेलखंड बुंदेलखंड ये ड्राई जोन माने जाते हैं। मॉनसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी, अगर हम इंडिया देखें और यहाँ से ड्रॉ करें तो एक ब्रांच जो है वो वेस्टर्न घाट्स को चढ़ती है, वेस्टर्न घाट्स की 1200 मीटर्स हाइट है, तो विंडवर्ड साइड में भी पड़ता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, फिर विंड जब नीचे उतरती है पहाड़ से तब वो अपना सारी पानी ऑलरेडी छोड़ चुकी है, तो वो हीटेड अप में होती है और कोई रेनफॉल नहीं कर पाती है। तो ये कारण होता है कि तमिलनाडु और इस तरीके का रीजन जो है वो ड्राई रहती हैं। तो ये जो पहली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच के बारे में बात करें, यहाँ से एमपी को रेनफॉल होती है,
तो अनदर ब्रांच ऑफ अरेबियन सी मॉनसून स्ट्राइक द कोस्ट नॉर्थ ऑफ मुंबई, मुंबई के ऊपर की तरफ से एक ब्रांच आती है अरब सागर से मॉनसून की, और ये नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैली में एंटर होती है। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैली में एंटर होती है एक्सटेंसिव रेप एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक जाती है झारखंड, गेट्स 15 सेंटीमीटर रेनफॉल फ्रॉम दिस ब्रांच, देयर आफ्टर इट एंटर द गंगा प्लेन्स एंड मिंगल विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बघेलखंड यहाँ पे रेनफॉल लेगी यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पर लेस रेनफॉल लेस मॉइस्चर ये कैरी करती हैं और लेस रेनफॉल यहाँ पर क्रिएट होती है, इसलिए मालवा रीजन, चंबल रीजन, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये एक ड्राई रीजन में आता है। अरेबियन सागर की जो ब्रांच है वो यहाँ पर वीक होती है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ सेकंड ब्रांच जो है वो एंटर करती है, अनदर ब्रांच जो मॉनसून की यहाँ पर एंटर करती है। हमें मोस्टली जो एक और ब्रांच है थर्ड ब्रांच जो सौराष्ट्र कच्छ गुजरात से एंटर करती है उससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल से किस तरीके से मॉनसून एंटर होता है ग्वालियर एमपी में, तो यहाँ पर मैं आपको इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो स्ट्राइक करती है कोस्ट ऑफ म्यांमार को और यहाँ से वो टर्न होके अरक्कन हिल्स से टकरा के इंडिया में एंटर होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एंटर होती है। द मॉनसून देयरफॉर एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल को एंटर होती है, बांग्लादेश होती है फ्रॉम द साउथ एंड साउथ ईस्ट स्टेट ऑफ द साउथ, और यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय एंड द थर्मल लो, तो यहाँ पर हमें मेन जो रेनफॉल है वो यहीं से प्राप्त होती है बे ऑफ बंगाल से।